नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS by इंजीनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है, और आर्ट में हम लोग टेस्ट पेपर 34 तक देख चुके थे। आज ये जो है टेस्ट पेपर 35 है। 25 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन यहाँ शामिल किए जाते हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कि सर क्वेश्चनों का दायरा बढ़ा दीजिए, 30 क्वेश्चंस करिए, कोई कह रहा है 25 क्वेश्चंस करिए, कुछ लोग तो 50 क्वेश्चनों की डिमांड कर रहे हैं। मैं जो करता हूं उसे टाइम टू टाइम ही करता हूं, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। हमने स्टार्टिंग से ही कहा था 20 क्वेश्चंस पर डे लेंगे। इस टाइप से हमारी रणनीति है कि एक महीने में 600 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। 3 महीने का कोर्स है, 1800 क्वेश्चंस आपके झोली में आ जाएंगे, आपके कंठ पे आ जाएंगे, सदैव जो है जबान पे रहेंगे, तुरंत राइट आंसर निकलेगा। जैसे इस वाले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं, 2021 में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2021 वाला जो पेपर हुआ था वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस छप चुके हैं। हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है, चाहे आपने प्रीवियस में टेस्ट पेपर दिया हो, वहाँ आपने किया हो। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर एक, सॉरी क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मुगल चित्रों को मूल रूप से रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया? ऑप्शंस हैं 2, 3, 12, 6। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? टोटल 3 रंगों में बांटा गया है, वानस्पतिक रंग, रासायनिक रंग और खनिज रंग। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो वह मुगल शासक कौन सा है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो पाश्चात्य प्रभाव दिखाने के लिए अनपढ़ राजा अकबर फेमस हैं। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, राजस्थानी चित्रों का मूल स्रोत है? ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली या फिर बंगाल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत मूल रूप से किसके साथ जाता है? अपभ्रंश शैली के साथ चला जाता है। सी राइट आंसर हो रहा है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। टेस्ट पेपर बहुत ही बेटर है, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं, एक भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो निहाल चंद्र का संबंध मूल रूप से किस शैली से है? ऑप्शन हैं जैन शैली, अपभ्रंश शैली, आधुनिक शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो मूल रूप से निहाल चंद्र का संबंध किससे है? तो राजस्थानी शैली से है। किशनगढ़ शैली के सबसे अच्छे चित्रकार निहाल चंद्र माने जाते हैं। किशनगढ़ शैली भी राजस्थानी शैली के अंडर में ही आती है, तो एक दूसरे से कोरिलेट है, परेशान नहीं होना है। निहाल चंद्र जो कलाकार हैं राजस्थानी शैली के हैं। डी राइट आंसर बन रहा है, 2021 में क्वेश्चन छप चुका है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं मूल रूप से किस काल में बनती हैं? ऑप्शन हैं गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या फिर शंगुकाल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएँ हैं वो शंगुकाल के साथ बनती हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है, वर्ष 1630 में चित्रित पुस्तक है एक रसिक प्रिया के चितैरे कौन है, यानी उसके रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया को रचने का काम यानी चित्रित करने का काम किसका है? ऑप्शंस हैं साहबदीन, मनोहर, श्रृंगधर या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो रसिक प्रिया को चित्रित करने का काम साहबदीन का था। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। अच्छा, इसकी PDF फाइल के लिए लोग बहुत परेशान हैं। इसकी PDF फाइल जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाती है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है, पाल शैली के चित्र होते हैं,
नेपाल शैली के चित्र होते हैं। ऑप्शन हैं बोर्ड पर, दीवारों पर, कैनवास या फिर पोथियों पर। तो मूल रूप से पाल शैली में हमने देखा है कि चित्रण कहाँ बनाए जाते हैं, पाल पोथियों पर बनाए जाते थे। राइट आंसर डी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है गौथिक कला शैली मुख्यतया है। ऑप्शन हैं चित्र शैली, स्थापत्य शैली, मूर्ति शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने गौथिक कला को आज ही देखा है क्लास नंबर 25 के माध्यम से। 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उसमें हमने देखा है। तो गौथिक कला शैली मूल रूप से कैसी शैली मानी जाती है? स्थापत्य शैली मानी जाती है। कला पाए जाते हैं, कृषि के साथ छिपाए जाते हैं, राजघराने पाए जाते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डाटा भी है। तो मूल रूप से गौथिक शैली या फिर बेंजोटाइन जो चित्रण शैली है, मूल रूप से वो स्थापत्य शैली होती है। गौथिक शैली में ही खिड़कियों पर चमकदार शीशे बढ़िया मिलते हैं, ठीक है, रंगीन शीशे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएँ, पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएँ किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं पंचतत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के बारे में पूछा गया है, किससे संबंध रखती हैं? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? जातक कथाओं के साथ चला जाएगा। जातक कथाएं राइट आंसर हैं। बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है अजंता की किस गुफा चित्र का निर्माण काल क्या है? सॉरी, अजंता की गुफा संख्या 1। अच्छा, गुफा संख्या 1 यानी कौन सा चित्र है? पद्मपाण बोधसत्व का निर्माण काल क्या है? 2021 में डाटा छप चुका है। चौथी शताब्दी, छठवीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी या फिर आठवीं शताब्दी? तो गुफा संख्या 1 अजंता में स्थित है, उसका निर्माण काल क्या है बेटा? सातवीं शताब्दी राइट आंसर हो जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम कहाँ दिखाई देता है? तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला तीनों कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हैं लोथल, जोगीमारा, अजंता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ऐसा संगम मूल रूप से देखने को मिलता है अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में बी राइट आंसर हो रहा है। महाराष्ट्र वाला हिस्सा होता है, अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। बाघ गुफा चित्रों के उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो बाघ गुफा चित्रों में मूल रूप से किसका उपयोग किया गया है? ऑप्शन हैं फ्रेस्को तकनीकी, टेम्परा तकनीकी, इम्प्रेंट्रो तकनीकी या फिर मूल रूप से स्केच तकनीकी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बाघ गुफा में चित्रों को चित्रित करने के लिए टेम्परा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा 2021 के लिए और 2022 के लिए। 2021 में भी छप चुका है क्वेश्चन। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो वह कौन सी शैली है जिस पर बाघ गुफा चित्रों का प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन हैं मुगल शैली, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। तो बाघ गुफा चित्रों पे मूल रूप से कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिल जाता है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा गया बेटा एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है मूल रूप से उसका नाम क्या है? एलिफेंटा की गुफा है, जिस टापू पे स्थित है उस टापू का नाम बताना है। ऑप्शन हैं धारापुरी, मायापुरी, शिवपुरी या फिर लंकापुरी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, समुद्र से घिरा हुआ है, धारापुरी टापू है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में है, याद रखना है। तो एलोरा की किस गुफा संख्या में है? हम बार बार हर एक वीडियो में चिल्लाते हैं, कहते हैं एक जगह मरणासन राजकुमारी आता है, गुफा है अजंता। दूसरे में गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर आता है, गुफा का नाम है एलोरा। दोनों स्थित हैं महाराष्ट्र में, दोनों से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? गुफा संख्या 16 में स्थित है। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में स्थित है, इसकी प्रसिद्धि का कारण भी कैलाश मंदिर ही है। मूल रूप से एलोरा को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कैलाश मंदिर से ही प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया है। हम उम्मीद करते हैं सभी ने इसका राइट आंसर सी ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? तो एलोरा की गुफाएं किसने बनाई बेटा? ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो एलोरा की गुफाएं मूल रूप से किसने बनवाई है? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई है। राइट आंसर डी बन रहा है। 2021 में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा जा रहा है बेटा, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? इंद्र सभा के नाम से वह कौन सी गुफा है जो एलोरा में स्थित है? ऑप्शन हैं 13, 14, 33, 32। ये गुफा संख्याएं हैं बेटा, याद रखना है। तो इंद्र सभा के नाम से गुफा संख्या 32 को जाना जाता है। राइट आंसर जो है सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया पंचमढ़ी स्थित है, पंचमढ़ी स्थित है। ऑप्शंस दिए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पंचमढ़ी जो मूल रूप से स्थित है वो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ है। मामा की नगरी मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी गुफा पाई जाती है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पूछा गया लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र में संबंधित हैं या फिर किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो लखनिया कहाँ मिलता है बेटा? ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, भोपाल, मानिकपुर या फिर होशंगाबाद। तो लखनिया की गुफाएं जो है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन हर हाल में आपको कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी कहाँ संग्रहित है? मूल रूप से मोहनजोदाड़ो में एक नर्तकी मिलती है, उसकी हाइट क्या है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मूल रूप से वो नर्तकी अब कहाँ सुरक्षित है वर्तमान समय में? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना या फिर मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो मूल रूप से जो नर्तकी मिली थी मोहनजोदाड़ो से, उसे कहाँ सुरक्षित किया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है, वहीं पे जो है नर्तकी की प्रतिमा रखी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। कई बार डाटा पूछा जा चुका है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, हल्के में मत लेना। 20 क्वेश्चंस थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसे ज़रूर छापना है कि नर्तकी की हाइट कितनी है। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।